स्वागत है आपका न्यूज राइटिंग में। मैं प्रोफेसर सचिन आप लोग के साथ। आइए मुझे डालते हैं न्यूज राइटिंग की सटासट खबरों पर। बूंदी में शंकरपुरा में महिला पॉजिटिव मिलने के बाद शंकरपुरा में भवानीपुरा गुरुवार को बंद करवा दिया। शंकरपुरा चौराहे से तहसील तक लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गांव के चारों ओर लगाए गए बैरिकेड्स। हिंडौली में बीमारियों से बचने के लिए बाल गृह के बच्चों को काढ़ा पिलाया गया। आम्रपाली प्रशिक्षण संस्थान देवली टोंक संस्था सचिव माया सोवालकर ने बताया। हिंडौली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बांधे पक्षियों के लिए परिंडे। ग्राम पंचायत के चांदी जी का बरड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेमलता जोशी ने लगातार कोरोना संक्रमण में ग्रामीणों को घर घर जाकर मास्क वितरण में ग्रामीणों को जागरूक किया। बूंदी में जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा ने केशोराय पाटन में ली बैठक। कोरोना से बचाव एवं राहत कार्य की बैठक में की गई समीक्षा। लॉकडाउन में हाईटेक दर्शन। कर्नाटक में 200 से ज्यादा मंदिरों में ई पूजा और दर्शन की तैयारी। घर बैठे मिलेगा प्रसाद। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर ने कहा डिजिटल कंपनियां कोरोना के बाद की दुनिया में अहम भूमिका निभाएंगी। लॉकडाउन में रोटी के लिए प्रवासियों का संघर्ष। पानी के लिए मीलों का सफर और श्रमिकों पर एक्सप्रेस सितम। देश के 531 जिलों में कोरोना की टेस्टिंग लैब ही नहीं। महाराष्ट्र के 36 में से 20 और गुजरात के 33 में से 23 जिलों में लैब नहीं। आपको बता दें कि बैक्टीरिया मारेगा वायरस। मच्छर के बैक्टीरिया से कोरोना वायरस को खत्म करने की तैयारी। चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर की रिसर्च। महिलाएं फाइनेंस को टैम्बू समझना बंद करे। कोरोना ने मौका दिया तो वो पैसे से दोस्ती करे, बजट के बजाय बीज बोए। सटासट का प्रबंध बन सकता है। देखते रहिए न्यूज़19। नमस्कार।